हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 5184 मीटर स्क्वायर। तो ये हम मान लेते हैं हमारी एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर है यहाँ पर, और इसका जो एरिया दिया हुआ है वो दे दिया है 5184 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके पास, हुज लेंथ इज, इसका लेंथ जो है, ये लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस है। तो ब्रेथ मान लेंगे यदि हम x, तो लेंथ हो जाएगा 2x, कहने का मतलब यही चीज है। ब्रेथ को यदि x मानेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड हैज इट्स पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर है इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड, तो स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर के बराबर है। इसका मतलब कि इसके जो चारों तरफ का जो लेंथ है वह इक्वल होगा इस स्क्वायर के चारों तरफ के लेंथ का, ठीक है, पेरिमीटर बराबर है दोनों का। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, तो रेक्टेंगुलर फील्ड की एरिया बताइए। ओके, तो रेक्टेंगुलर फील्ड की एरिया निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले लेंथ और ब्रेथ, तभी तो मल्टीप्लाई करके निकाल पाएंगे। और लेंथ और ब्रेथ हम कैसे निकालेंगे, तो हमें यहां पर रिलेशन लगाना पड़ेगा जो यहां बोला है कि दोनों का, मतलब ये रेक्टेंगल का और स्क्वायर का जो पेरिमीटर है वो क्या है, इक्वल है। ओके, इसका मतलब कि दोनों का पेरीमीटर यदि इक्वल है तो हम यहां से पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, तो पहले हम यहां पर सपोज कर लेंगे यहां लेंथ और ब्रेथ को, ठीक है। यहां पर चलिए सॉल्व करते हैं पहले, और यहां पर हम ले लेंगे सॉल्यूशन, लेट द ब्रेथ of the rectangular field, is equal to x, मान लेते हैं x meter, then the length of the rectangular field will be 2x meter, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात जो दिया हुआ है कि यह रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर होगा वह इक्वल होगा स्क्वायर के पेरीमीटर से, तो वही लिख लेंगे सिंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमें, देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, तो हमें यदि इस स्क्वायर का यदि एज, सॉरी साइड जो है, मान लीजिए कि ए दिया हुआ है, इस साइड को ए मान लेते हैं, तो 4 × a करना होगा, 4 × a इज इक्वल टू आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L + b होता है, राइट। मीन्स हमारा जो 4a से निकलेगा फॉर्मूला वो निकल जाएगा 2 × L + b, कितना माना था हमने, 2x और x, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 2x + x क्या मिलेगा यहाँ पर, फाइनली फार्मूला 2x + x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3×2 = 6x हो जाएगा। मीन्स हमें मिलेगा 4a = 6x। यहाँ से हम निकाल सकते हैं a की वैल्यू, और वो निकल जाएगा हमारा 6x/4, मीन्स 2×2 = 4, 2×3 = 6, मतलब आ गया हमारा 3x/2, क्या आ गया, मीटर। तो 3x/2 मीटर आ गया, ये क्या आया एक्चुअली, ये साइड का लेंथ आया, किसका, स्क्वायर का। तो अब यदि स्क्वायर के साइड का लेंथ आ चुका है तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि ए का स्क्वायर होता है इतना, साइड का स्क्वायर इक्वल टू होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया का हमने ये एज जो है, सॉरी ये साइड जो है फाइंड कर लिया है 3x/2, इस स्क्वायर का साइड जो है फाइंड कर लिया है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम कर लेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर 5184, इतना मीटर स्क्वायर दिया हुआ है,
तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर को जानते हैं कि साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है, और साइड क्या माना था हमने, ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 5184। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर मतलब कि ये 3x/2 है, तो ये हो जाएगा 3x/2। क्लियर, 5184। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3, मतलब कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर मिल जाएगा, अपन 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल जाएगा। ठीक है, 3x/2 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर मतलब 9, एक्स का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, मतलब सबका स्क्वायर कर देंगे तो इतना आ गया, इक्वल टू हो गया ये 5184। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालना है यहाँ पर, यदि एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे तभी हम निकाल पाएंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो ये लेंथ निकालने के लिए, ब्रेथ निकालने के लिए हमें एक्स निकालना पड़ेगा, और यहाँ से एक्स निकलेगा। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए यहाँ पर आप एक काम करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 9x² इज इक्वल टू, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिल जाएगा 5184 मल्टीप्लाइड बाई 4। कभी मल्टीप्लाई मत करिएगा क्योंकि हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना ही पड़ेगा बाद में। तो यहाँ पर मिलेगा हमें x² इक्वल टू 9 से डिवाइड भी करेंगे, यहाँ पर मिलेगा 5184 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपान 9, तो ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देख रहा था 9 × 9 एक हो जाएगा 9 से, तो 9 × 5 = 45, 6 बचा तो 68 हो गया, 9 × 6 = 9 7 = 63 होगा तो 5 बचेगा 54 हो गया, 9 × 6 = 54। ओके, तो मतलब कि आ गया x² इज इक्वल टू आ गया 576 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब यहाँ पर हम यदि बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर ये x मिल जाएगा और x इक्वल टू मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 576 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब 4 का 4 में तो 2 बाहर निकल जाएगा, अब 576 को हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो हम कहीं पर कर लेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कर लेते हैं 576 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो हो जाएगा, हम पहले 8 से करेंगे तो 8 × 7 = 56, 8 × 2 = 16, 8 × 9 = 72 एंड 9 × 9, मतलब कि यहाँ पर 8 8 और 9 आएगा, मतलब कि हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो मिल जाएगा 2 × 2 × 2, ये 8 को लिखेंगे और यहाँ पे इस 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 2, फिर ये 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, उसके बाद से यहाँ पर 4 है तो इस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। तो हम यहाँ पेयर बना करके बाहर निकालेंगे, तो यहाँ देखिए एक पेयर बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है और ये बन रहा है, मीन्स 2 × 2 × 2, देखिए 1 2 3 4, तो इंटू 2 × ये वाला एक है 3, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 4, 4 × 8 = 8, 8 × 16 = 16, 3 × 48, मीन्स एक्स की आ गया वैल्यू 48 मीटर। ठीक है, मतलब कि ब्रेथ निकल गया। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं, तो हमारा ब्रेथ निकल चुका है, तो सो ब्रेथ इज इक्वल टू 48 मीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ जो होगा वो इसका दुगुना होगा, 2 × 2 × 48 मतलब हो जाएगा 96। ओके, तो अब ये आ गया हमारा लेंथ और ब्रेथ, तो अब निकाल सकते हैं एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये फाइनली निकालना है। सो फाइनली एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मींस लेंथ कितना दिया हुआ है 96 हमने फाइंड कर लिया एक्चुअली, और ये 48, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं 96 में 48 से, देखिए 6 × 8 = कितना होता है, 6 × 8 = करिए 6 में और 8 से 48, 4 बचेगा, 8 × 9 = 72 और 4 × 6 = 24, ऐड कर लीजिए और 4 की ऐड करना है तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा और 7 × 2 = 9, 98 + 4 = 102, 102 का 2 रखेंगे और 10 कैरी ओवर। अब यहाँ देखिए ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए हम,
अब ये 9 4 जा 36, 36 और ये जगह 46, मतलब आ गया यहाँ पर 4628 मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया जो हमें फाइंड करना था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब थोड़ा सा हम इसमें रिकैप कर लेते हैं क्या किया हमने आखिर यहाँ पर। देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, जो क्वेश्चन था वो ये था कि द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का एरिया दे दिया था और रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन दे दिया था। मतलब कि कहा, इसमें बोला था कि ब्रेथ जितना भी होगा उसका लेंथ जो है दोगुना होगा, तो ब्रेथ को हमने मान लिया था एक्स और लेंथ हमारा आ गया था 2x। और एक और बात, इस क्वेश्चन बोल दिया था कि जो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वही पेरीमीटर इस स्क्वायर का भी होगा, तो हमने इस स्क्वायर के पेरीमीटर को यहाँ पर 4a करके निकाल लिया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हो गया। और इस रिलेशन से हमने फाइंड कर लिया a की वैल्यू, मतलब कि इस स्क्वायर के साइड का वैल्यू हमने निकाल लिया x के फॉर्म में, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू हमने x फॉर्म में लिया था, यहाँ पर मिल गया था 372। अब a की वैल्यू आ गई 372, तो हम इसकी एरिया दिया हुआ है तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर लगा दिए, तो साइड का स्क्वायर कर लिया तो 372 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से 9x² + 4 इज इक्वल इतना आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर फाइनली निकाल लिया हम, ठीक है, फैक्टराइज करके। अब ये करने के बाद हमने क्या किया कि अब ये लेंथ और ब्रेथ निकाल लिया यहाँ से, क्योंकि x की वैल्यू जो है वही लेंथ है, यहाँ पर ब्रेथ ब्रेथ है यहाँ पर x की वैल्यू, और लेंथ निकालेंगे 2 × 4 ऐड कर देंगे, 48 कर लेंगे, 96 मीटर आ गया। उस वजह से एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, तो हमारा फाइनली आंसर आ गया। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।